आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर में सरकार के आदेशों का बलि था, खुलेआम सड़कों और खेतों में घूमते दिखे मवेशी। किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे मवेशी, गौशाला होने के बाद खुलेआम घूम रहे मवेशी। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का मामला, फतेहपुर में सरकार के आदेशों पर पलीता। बड़ी खबर सामने आ रही है, खुलेआम सड़कों और खेतों में घूमते दिखे मवेशी। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम मवेशी घूम रहे हैं, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं मवेशी। फतेहपुर में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, सराफा व्यापारी के दुकान में घुसकर की मारपीट, करीब 1 लाख की नगदी लेकर दबंग हुए फरार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, पीड़ित व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। थरियाव थाने के अंबापुर NH2 की घटना, फतेहपुर में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। बड़ी खबर सामने आ रही है, सराफों व्यापारी के दुकान में घुसकर की मारपीट, करीब 1 लाख की नकदी लेकर दबंग फरार हुए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, पीड़ित व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। थरियाव थाने के अंबापुर NH2 की घटना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव आयोग ने प्रसपा को दिया नया चुनाव चिन्ह, प्रसपा को चुनाव चिन्ह में मिला स्टूल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने प्रसपा को दिया नया चुनाव चिन्ह, प्रसपा को चुनाव चिन्ह में मिला स्टूल। नया चुनाव चिन्ह मिल गया प्रसपा को, लखीमपुर खीरी में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, बाइक सवार एक शिक्षक की मौत दूसरा घायल। शारदा नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा मामला, लखीमपुर खीरी में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, बाइक सवार एक शिक्षक की मौत दूसरा घायल। शारदा नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला। शाजापुर दौरे पर जाएंगे जल शक्ति मंत्री, जन विश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ। जलालाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे जल शक्ति मंत्री, बरेली से शाजापुर आएगी जन विश्वास यात्रा। शाजापुर दौरे पर जाएंगे जल शक्ति मंत्री, जन विश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ। जलालाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे जल शक्ति मंत्री, बरेली से शाजापुर जाएगी जन विश्वास यात्रा। देवरिया में किसानों का प्रदर्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है, धान की सही मूल्य नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर उतरे किसान, ट्रैक्टर पर धान रखकर किसानों ने किया प्रदर्शन। देवरिया में किसानों का प्रदर्शन, धान की सही मूल्य नहीं मिलने पर किसानों ने किया प्रदर्शन, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर उतरे किसान। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सही दाम के लिए प्रदर्शन किया गया है, ट्रैक्टर पर धान रखकर किसानों ने किया प्रदर्शन। कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी जारी, 7 बक्से लेकर पहुंची CBI की टीम। पीयूष जैन के आवास पहुंचने पर पहुंचे CBI अधिकारी, प्रेस रिलीज जारी होने के बाद पहुंचा 19 करोड़। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले का मामला, कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी जारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 बक्से लेकर पहुंची CBI की टीम। पीयूष जैन के आवास पहुंचे CBI अधिकारी, प्रेस रिलीज जारी होने के बाद पहुंचा 19 करोड़। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले का मामला। फतेहपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन,
छात्राओं ने गीतों के जरिए हेल्पलाइन नंबर के बारे में दी जानकारी। नुक्कड़ नाटकों के जरिए महिलाओं को जागरूक किया गया। हदगाम ब्लॉक के चिवलाहा जनता इंटर कॉलेज का मामला। फतेहपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्राओं ने गीतों के जरिए हेल्पलाइन नंबर के बारे में दी जानकारी। नुक्कड़ नाटकों के जरिए महिलाओं को जागरूक किया गया। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आवास विकास ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। डिप्टी सीएम समेत सांसद कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आगमन से पहले भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया पूजन। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर सामने आ रही है, आवास विकास ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। डिप्टी सीएम समेत सांसद कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आगमन से पहले सुल्तानपुर में दिखा ट्रेन के वॉशिंग लाइन पहुंची जानकारी। दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंची थी सद्भावना एक्सप्रेस। सुल्तानपुर जंक्शन के वॉशिंग लाइन का मामला सामने आ रहा है। सुल्तानपुर में दिखा जहर खुरानों का आतंक। जहर खुरानों ने चार यात्रियों को बनाया निशाना। ट्रेन के वॉशिंग लाइन पहुंचने पर हुई जानकारी। दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंची थी सद्भावना एक्सप्रेस। रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में तीन बाइक सवार हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया। इलाज के दौरान दो युवकों की हुई मौत। ऊंचाहार कोतवाली के सेमरी रनापुर गांव की घटना। रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में तीन बाइक सवार घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया। इलाज के दौरान दो युवकों की हुई मौत। ऊंचाहार कोतवाली के सेमरी रनापुर गांव की घटना। रायबरेली में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। काफी दिनों से बीमार चल रहा था मृतक। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अजमत उल्लागंज गांव का मामला। रायबरेली में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। काफी दिनों से बीमार चल रहा था मृतक। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अजमत उल्लागंज गांव का मामला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।